हेलो फ्रेंड्स, होममेड क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं ये पोंचो बनाकर लाई हूँ और ये पोंचो देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस तरह से मैंने ये बूटी वाला डिज़ाइन इसमें डाला है। देखिए, इस तरह से आया है ये डिज़ाइन बनकर, और ये डिज़ाइन बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये बनाया है मैंने 1 से लेकर 3 ईयर्स बेबी गर्ल्स के लिए। अब देखिए, मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूँ कि इसकी लंबाई कितनी है। देखिए, इसकी लंबाई है 39 सेंटीमीटर। 39 सेंटीमीटर इसकी ये लेंथ है। और देखिए, इसमें मैंने ये वूल लगाई है, ब्लू कलर तो लगाई है मैंने ये वर्धमान की, और ये क्रीम कलर लगाई है मैंने गंगा ब्रांड की। और इसके लिए मैंने ये 4 मिलीमीटर का क्रोशिया हुक लिया है, 7 नंबर का। और देखिए, इसमें टोटल वूल लगी है 250 ग्राम। 150 ग्राम तो आपको ये क्रीम कलर लेनी है और 100 ग्राम लेनी है ब्लू कलर। 250 ग्राम टोटल वूल लेनी है। देखिए, अगर बेबी के ये पोंचो छोटा आता है तो आप इसकी लंबाई को बढ़ा लें और गले से भी चेन आप बढ़ा लें, छोटा आए तभी आप इसको बढ़ाएं। और आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि ये पोंचो आपको कैसा लगा। देखिए, पोंचो को अब मैं बुनती हूँ। सबसे पहले मैं चेन डालूँगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये नोट बांध ली है। नोट बांधने के बाद इसमें मैं 88 चेन डालूंगी, तो इस तरह से चेन को डालना है। देखिए, पूरी चेन इसी तरह से डालनी है। देखिए, इस तरह से मैंने ये चेन डाल दी है, 88 चेन इस तरह से आई है ये बनकर चेन। देखिए, अब देखिए, इसको मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूंगी। स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन करना है। देखिए, इस तरह से मैं ज्वाइन करूंगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए, चेन को इस तरह से ये चेन बनकर आ गई है। अब देखिए, इसको मैं चेन को 2 पार्ट में डिवाइड करूंगी। 44 इधर रखने हैं और 44 इधर रखने हैं, टोटल हो जाएंगे ये 88। तो देखिए, मैं मार्क लगाती हूँ। मार्क लगाना है, काउंट करने के बाद मार्क लगाती हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं मार्क लगाऊंगी। देखिए, इस तरह से मैंने ये मार्क लगा दिया है। 2 पार्ट हो गए हैं ये चेन के, 44 इधर 44 इधर। देखिए, अगर ये बेबी के गले में चेन छोटी आती है तो आप इसमें इंक्रीज कर सकते हैं, चेन को बढ़ा सकते हैं। गले में छोटा है तभी बढ़ाना। अब देखिए, मैं इसमें डिज़ाइन डालती हूँ। डिज़ाइन को डालना है। देखिए, इस तरह से मैं डिज़ाइन डालूँगी। 1 2 3, 3 की चेन और डबल क्रोशिया, ये हो गए हैं 2 डबल क्रोशिया। 3 की चेन को भी मैंने डबल क्रोशिया में काउंट किया है, ये हो गए हैं 3 डबल क्रोशिया। 2 चेन 3 डबल क्रोशिया,
टोटल हो गए हैं ये 6 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन। अब देखिए नीचे से 1 2 3 3 चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 3 डबल क्रोशिया। टू और एक ये 3, ठीक है, इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब 1 2 2 चेन और फिर से 3 चेन को स्किप करना है, 1 2 3 और फोर्थ चेन में 3 डबल क्रोशिया डालना है। टू और एक ये 3, देखिए इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ। 1 2 2 चेन और नीचे से 1 2 3 3 चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में 3 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी, 3 डबल क्रोशिया, 2 की चेन और नीचे से 3 चेन को स्किप करना है। इस तरह से मैं यहाँ तक कंप्लीट करूँगी, फिर यहाँ मैं बताऊँगी यहाँ पर जहाँ पर ये मार्क लग रहा है, तो मैं यहाँ तक बुनती हूँ। देखिए इस तरह से मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 2 चेन। अब देखिए ये मार्क आ गया है, यहाँ पर मैं 6 डबल क्रोशिया डालूँगी, 6 डबल क्रोशिया डालना है। वन टू और एक ये 3, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से एक ये फ्रंट में आएंगे और एक ये बैक में आएंगे। अब देखिए इधर से भी मैं बुनती हूँ, इधर से भी बुनना है, इसी तरह से बुनना है। 1 2 2 चेन और नीचे से 1 2 3 3 चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में 3 डबल क्रोशिया डालना है। देखिए 3 डबल क्रोशिया इस तरह से, फिर 1 2 2 चेन और नीचे से 1 2 3 3 चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में 3 डबल क्रोशिया डालना है। इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी, ठीक है, इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन। अब देखिए नीचे से 1 2 3 3 चेन को स्किप करना है और फोर्थ चेन में डबल क्रोशिया डालना है, 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और एक ये 3। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 2 चेन। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है इस तरह से। देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से ये बनकर आ गई है। देखिए ये गला अगर बेबी के छोटा आता है तो आप इसमें क्लस्टर को इंक्रीज कर दें,
इधर मैंने 10 क्लस्टर डाले हैं और इधर भी मैंने ये 10 क्लस्टर डाले हैं, दोनों तरफ बराबर बराबर डालने हैं। अगर इधर 12 करने हैं तो इधर भी 12 ही करने हैं, 12 करने हैं, दोनों तरफ बराबर रखना है क्लस्टर को, तभी बैलेंस बनेगा, नहीं तो एक तरफ छोटा आएगा और एक तरफ बड़ा आएगा। देखिए अब मैं पोंचो को बुनती हूँ, ब्लू कलर लगाती हूँ और यहाँ से बुनती हूँ, मैं यहाँ से बुनना है। देखिए इस तरह से मैं बुनूँगी। देखिए सिंगल क्रोशिया बुनना है, फिर एक बार और सिंगल क्रोशिया बुनना है। देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 थ्री चेन, और फिर देखिए यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है, 1 सिंगल क्रोशिया और एक ये 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैं ये डिज़ाइन डाल रही हूँ, डिज़ाइन डाल रही हूँ इस तरह से मैं। देखिए फिर 1 2 2 चेन, और फिर से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, और फिर से यहाँ पर नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा, 1 2 2 चेन लेना है, फिर से यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया डालना है, 1 सिंगल क्रोशिया, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया, इस तरह से 1 2 2 चेन, और यहाँ पर डालना है 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से रो को कंप्लीट करना है डालते हुए डिज़ाइन को, 1 2 2 चेन, यहाँ पे डालना है सिंगल क्रोशिया 2, 1 2 3 3 चेन और 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से ये डिज़ाइन आएगा। ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 3 3 चेन, और यहाँ पर भी अब मैं 2 सिंगल क्रोशिया डालूँगी नेक्स्ट चेन में। देखिए इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, 2 इधर हैं और बीच में ये 3 की चेन, 1 2 2 चेन लेना है। अभी यहाँ पर भी देखिए मैं 2 सिंगल क्रोशिया बुनूँगी, इस तरह से मैंने 2 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, 3 चेन, और यहाँ पर भी नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए इस तरह से, फिर 1 2 3 3 चेन, यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया डालना है, 1 2 3 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया। इस तरह से मैंने ये डाला है, यहाँ पर मैंने ये 6 डबल क्रोशिया डाले थे, यहाँ पर भी डाले थे और एक यहाँ पर भी, तो इस तरह से इसमें डिज़ाइन डालना है। वन टू टू चेन, अब ये 3 डबल क्रोशिया आ गए हैं, इसमें सिंगल क्रोशिया डालना है, 2 सिंगल क्रोशिया, 3 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, 2 चेन,
टू सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन, टू सिंगल क्रोशिया। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। वन टू थ्री, थ्री चेन, नेक्स्ट चेन में टू सिंगल क्रोशिया, फिर वन टू, टू चेन। अब देखिए यहाँ पर भी मैं टू सिंगल क्रोशिया डालूँगी, वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन और टू सिंगल क्रोशिया, इस तरह से। फिर वन टू थ्री, थ्री चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये रो बनकर आ गई है। देखिए अब देखिए मैं इसमें क्रीम कलर लगाती हूँ, क्रीम कलर लगाना है अब। तो देखिए इसमें मैं लॉन्ग चेन बनाऊँगी, इसको मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ धागे को लॉन्ग चेन बनाकर, जिससे ये निकले नहीं। इस तरह से मैंने ये लॉन्ग चेन बनाकर डाल दिया है इसको इधर। अब देखिए मैं इसको बुनती हूँ, ये मैंने लॉन्ग चेन बनाई थी, इसको मैं बुनती हूँ। बुनती हूँ अब मैं, वन टू थ्री, थ्री चेन और डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया और ये थ्री डबल क्रोशिया। देखिए फिर वन टू, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया। देखिए टोटल हो गए हैं ये सिक्स डबल क्रोशिया। देखिए थ्री डबल क्रोशिया इधर हैं, थ्री डबल क्रोशिया इधर हैं, बीच में टू चेन। अब देखिए फिर से मैं टू चेन लूँगी, ये मैंने टू चेन ले ली है। अब यहाँ पर डालने हैं थ्री डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। देखिए इस तरह से आ रहा है ये डिज़ाइन, इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है यहाँ पर। फिर वन टू, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया, यहाँ पर डालना है चेन में थ्री डबल क्रोशिया, टू और एक ये थ्री। देखिए वन टू, टू चेन, थ्री डबल क्रोशिया। टू चेन, थ्री डबल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से आएगा ये डिज़ाइन। देख वन और एक ये टू, टू चेन और थ्री डबल क्रोशिया, वन टू और एक ये थ्री। देखिए ये मैंने थ्री डबल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब वन टू, टू चेन। अभी यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी। देखिए यहाँ पर मैं ज्वाइन करती हूँ इस तरह से। देखिए ये मैंने ज्वाइन कर दिया है स्लिप स्टिच लेते हुए, और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाना है। देखिए इस तरह से मैंने आगे को बढ़ा दिया है। अब देखिए फिर से मैं इसमें लॉन्ग चेन डाल देती हूँ, जिससे कि ये निकले नहीं। देखिए इस तरह से मैंने ये लॉन्ग चेन डाल दी है, वो देखिए ये रो इस तरह से बनकर आ गई है। देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन
आ रहा है। तरह से ये गला बनता हुआ आएगा। अब देखिए मैं इसकी आगे की रो बनाती हूँ, आगे की रो बनानी है। देखिए इस तरह से मैं यहाँ से लगाऊंगी, यहाँ से लगाना है। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया लेना है, फिर एक और सिंगल क्रोशिया डालना है। ये हो गए टू सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री चेन। और फिर यहाँ पर नेक्स्ट चेन में भी टू सिंगल क्रोशिया डालना है, वन सिंगल क्रोशिया और एक ये टू सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाल दिया है। वन टू, टू चेन लेना है। देखिए फिर से यहाँ पर टू सिंगल क्रोशिया लेना है, वन सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन और टू सिंगल क्रोशिया, वन टू, टू चेन। देखिए फिर नेक्स्ट चेन में भी यहाँ पर टू सिंगल क्रोशिया डालना है, थ्री चेन, टू सिंगल क्रोशिया। देखिए इस तरह से ये आएगा डिज़ाइन। टू सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन और यहाँ पर भी नेक्स्ट चेन में भी डालना है टू सिंगल क्रोशिया, वन टू, टू चेन। अब देखिए सिक्स डबल क्रोशिया आ गए हैं। अब यहाँ पर भी मैं इसी तरह से बुनूंगी, यहाँ डालना है टू सिंगल क्रोशिया। देखिए टू सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन, फिर नेक्स्ट चेन में भी यहाँ पर टू सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए फिर वन टू थ्री, थ्री चेन, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर भी टू सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए टू सिंगल क्रोशिया, वन टू थ्री, थ्री चेन, फिर यहाँ पर भी टू सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए सिक्स डबल क्रोशिया के ऊपर भी मैंने इस तरह से ये बूटियाँ बना दी हैं। देखिए वन टू, टू चेन और फिर देखिए यहाँ पर भी टू सिंगल क्रोशिया डालना है, टू सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन, टू सिंगल क्रोशिया, टू सिंगल क्रोशिया, वन टू, टू चेन, टू सिंगल क्रोशिया। तो मैं यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ। वन टू, टू चेन, फिर देखिए ये सिक्स डबल क्रोशिया आ गए हैं। देखिए थ्री डबल क्रोशिया को तो मैंने ये बुन दिया था और थ्री डबल क्रोशिया भी ये रह गए हैं। यहाँ पर भी मैं इसी तरह से बुनूंगी। देखिए यहाँ पर डालना है टू सिंगल क्रोशिया, थ्री चेन, फिर नेक्स्ट चेन में यहाँ पर भी टू सिंगल क्रोशिया डालना है। इस तरह से देखिए टू सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं, वन टू थ्री, थ्री चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, यहाँ पर इसको जोड़ना है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने ये जोड़ दिया है यहाँ पर।
लॉन्ग चेन डालूंगी मैं। देखिए जिससे निकले नहीं है मैं, इसलिए डाल रही हूँ लॉन्ग चेन, यहाँ से निकले नहीं इसलिए मैंने ये लॉन्ग चेन डाली है। देखिए इस तरह से मैंने ये रो कंप्लीट कर दी है, इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। इस तरह से ले लिया है मैंने इसको, अब थ्री चेन डालना है, 1 2 और एक ये थ्री चेन और डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और एक ये 2 डबल क्रोशिया, टोटल हो गए हैं ये 3 डबल क्रोशिया, 1 2 टू चेन और फिर से इसी में डालना है ये 3 डबल क्रोशिया, टोटल हो जाएंगे ये 6 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर डाल दिए। देखिए यहाँ पर मैं डालूँगी 3 डबल क्रोशिया यहाँ पर, तो 1 2 टू चेन और 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये डिज़ाइन रिपीट हो रहा है, थ्री डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए। देखिए जैसे मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाले थे, जैसे मैंने ये 3 डबल क्रोशिया डाले, ऐसे में ही यहाँ पर ये डाल रही हूँ, 1 2 टू चेन 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 टू चेन 3 डबल क्रोशिया। देखिए 3 3 डबल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए। इसी तरह से रो को कंप्लीट करना है। ये मैंने 3 डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, 1 2 टू चेन। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है और स्लिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ाऊँगी इस तरह से। देखिए फिर से मैं लॉन्ग चेन डालूँगी जिससे कि ये निकले नहीं। देखिए इस तरह से लॉन्ग चेन डालनी है। देखिए इस तरह से ये रो मैंने कंप्लीट कर दी है, इस तरह से ये डिज़ाइन आ रहा है। देखिए ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए इस तरह से इसमें ये बूटी बन रही है। देखिए इसी तरह से मैं पोंचो को बुनते हुए आगे को बढ़ाऊँगी। पोंचो को इतना बड़ा बना लिया है, देखिए इस तरह से मैंने डिज़ाइन डाला है, बूटी वाला डिज़ाइन ही है ये। देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है ये बनने के बाद, किसी भी कलर में आप इसको बना सकते हैं। देखिए अब देखिए मैं गले का बॉर्डर बना देती हूँ, बॉर्डर बनाना है, गले का बॉर्डर बनाना है। यहाँ से मैं बनाती हूँ, देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया डाला मैंने, 1 चेन, अब फिर से मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी, ये हो गए 2 सिंगल क्रोशिया, 3 सिंगल क्रोशिया और एक ये 4 सिंगल क्रोशिया। इसमें मैंने ये 4 सिंगल क्रोशिया डाल दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर भी मैं 4 सिंगल क्रोशिया डालूँगी चेन में, 2 3 और एक ये 4। देखिए इस तरह से 4 4 सिंगल क्रोशिया डालना है। यहाँ पर भी मैं 4 सिंगल क्रोशिया डालूँगी, 2 3 और एक ये 4। देखिए इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी 4 सिंगल क्रोशिया डालते हुए। देखिए 4 सिंगल क्रोशिया मैंने ये डाल दिए हैं पूरी रो में। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, यहाँ पर ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट रो बनकर आ गई है गले की। देखिए सेकेंड रो बनानी है। वन टू टू चेन और सिंगल क्रोशिया डालना है।
इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए सिंगल क्रोशिया ही डालना है, सिंगल क्रोशिया डालना है। अब देखिए ये पोंचो की फ्रंट साइड आ गई है, देखिए यहाँ पर ये सिक्स डबल क्रोशिया डाले थे मैंने ये, तो देखिए यहाँ पर मैं डिक्रीज करूँगी। देखिए इस तरह से बुनूँगी मैं, सिंगल क्रोशिया बुना, फिर सेकंड में भी यहाँ पर भी मैंने ये सिंगल क्रोशिया बुना, ये हो गए हैं थ्री और एक साथ इनको बुनना है। देखिए यहाँ से मैंने वन सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, फिर इसी तरह से मैं बुनूँगी सिंगल क्रोशिया। गले की शेप लाने के लिए मैंने ये डिक्रीज किए हैं यहाँ पर फ्रंट साइड से, फिर बैक से भी मैं इसी तरह से डिक्रीज करूँगी। देखिए ये बैक साइड आ गई है, अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी वन सिंगल क्रोशिया को। इस तरह से मैंने सिंगल क्रोशिया डाला और फिर एक और डाला इधर से भी, देखिए ये हो गए हैं थ्री, अब एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से भी मैंने वन सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, फिर इसी तरह से मैं रो को कंप्लीट करूँगी। देखिए इस तरह से ये आएगा गला, देखिए इस तरह से मैंने ये रो को कंप्लीट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, चेन में ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से मैंने ये ज्वाइन कर दिया है और ये दूसरी रो इस तरह से बनकर आ गई है। देखिए मैं इसके आगे की रो बनाती हूँ, तीसरी रो बनानी है इसकी, वन टू, टू चेन और सिंगल क्रोशिया, इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालना है। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है, अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। देखिए वन सिंगल क्रोशिया और इसको देखिए मैं स्किप कर दूँगी, इसको नहीं बुनना है, आगे वाले में बुनना है। इस तरह से सिंगल क्रोशिया डालना है चेन में, ये हो गए थ्री और एक साथ बुन देना है। देखिए इसी तरह से मैं बैक से भी करूँगी डिक्रीज, इस तरह से एक गला बनता हुआ आ रहा है। इसमें डाला मैंने सिंगल क्रोशिया, फिर इसको नहीं बुनना है, स्किप करना है, आगे वाली चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया, ये हो गए हैं थ्री और एक साथ बुनना है। देखिए यहाँ से भी मैंने ये डिक्रीज कर दिए हैं सिंगल क्रोशिया को, एक को मैंने स्किप किया, फिर एक को मैंने डिक्रीज किया, यहाँ से सिंगल क्रोशिया डालना है इसी तरह से। इस तरह से मैंने ये सिंगल क्रोशिया लेते हुए रो को कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए इसको मैं यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है और तीसरी रो भी मैंने अभी ये कंप्लीट कर दी है, इस तरह से ये आ गई है तीसरी रो। अब देखिए मैं इसकी चौथी रो बनाती हूँ, फोर्थ रो बनानी है, वन टू, टू चेन और सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया को डालना है। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है, अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशिया लिया और इसको स्किप करना है और नेक्स्ट वाली चेन को बुनना है इस तरह से, ये हो गए हैं थ्री और एक साथ इनको बुन देना है। देखिए
यहाँ से भी मैंने 2 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है, एक को स्किप किया और एक को मैंने डिक्रीज किया, तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया को मैंने डिक्रीज कर दिया। अब इसी तरह से बुनना है सिंगल क्रोशिया लेते हुए, और मैं बैक साइड भी इसी तरह से डिक्रीज करूँगी। अब ये बैक साइड आ गई है, अभी यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी। देखिए इसको मैंने बुना, इसको नहीं बुनना है, आगे वाली चेन में बुनना है, सिंगल क्रोशिया डालना है इस तरह से। अब ये हो गए 3 और एक साथ बुन देना है। यहाँ से मैंने 1 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज किया है और 1 को स्किप किया है। इस तरह से मैंने 2 सिंगल क्रोशिया को यहाँ से डिक्रीज कर दिया है। अब इसी तरह से सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है, सिंगल क्रोशिया डालना है इसी तरह से। अब देखिए ये रो भी मैंने कंप्लीट कर दी है। अब देखिए यहाँ पर मैं स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, इस तरह से मैंने ज्वाइन कर दिया है। ये मैंने चौथी रो बना दी है, 4th रो। इस तरह से ये गले का बॉर्डर आ रहा है। मैं इसके आगे की रो बनाती हूँ, 5वीं रो बनानी है। 1, 2, 2 चेन और सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से सिंगल क्रोशिया को डालना है। देखिए ये फ्रंट साइड आ गई है, अब यहाँ से भी मैं डिक्रीज करूँगी, 1 सिंगल क्रोशिया, इसको स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है। ये हो गए हैं 3। यहाँ से भी मैंने 1 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है और 1 को स्किप किया है। इस तरह से यहाँ से भी मैंने 2 सिंगल क्रोशिया को डिक्रीज कर दिया है। इसी तरह से सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है। अब देखिए यहाँ से भी मैं बैक साइड से भी डिक्रीज करूँगी, 1 सिंगल क्रोशिया, 1 चेन को स्किप करना है और नेक्स्ट चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया। ये हो गए 3, ये हो गए हैं 3, तीनों को एक साथ बुन देना है। देखिए यहाँ से भी मैंने डिक्रीज कर दिए हैं, सिंगल क्रोशिया डालते हुए रो को कंप्लीट करना है। अब देखिए मैं इसको यहाँ पर स्लिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी, ये रो कंप्लीट कर दी है। और अब बन चेन लेते हुए मैं इसको धागे को कट कर देती हूँ। अब ये गले का बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर दिया है, गले का बॉर्डर मैंने ये कंप्लीट कर दिया है। देखिए इस तरह से ये मैंने गला अब कंप्लीट कर दिया है। अब देखिए यहाँ से मैं पॉम्पम लगाऊंगी, किनारे पे मैं पॉम्पम लगाऊंगी। देखिए अब मैं पॉम्पम को बनाती हूँ। इस तरह से बनाना है पॉम्पम को। इस तरह से ये पोम-पोम अब बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर लगाऊंगी, पोंचों में लगाने हैं। 4 धागे लेकर मैं लगाऊंगी। देखिए 4 धागे बराबर करने के बाद ही लगाना है। देखिए यहाँ पर मैं लगाऊंगी,
देखिए इस तरह से मैंने ये पोम पोम लगा दिया है। देखिए जो छोटे बड़े हैं उनको हम कट कर देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से मैंने कट कर दिया है और इसी तरह से पोम पोम लगाने हैं, फोर धागे लगाने हैं। लंबाई आप अपने अनुसार रख लेना, जितने आपको लंबे पोम पोम चाहिए उतने ही लगाना। यहाँ पर लगाना है जहाँ पर मैंने ये टू की चेन डाली थी। देखिए ये मैंने नीचे से अब पोम पोम लगा दिए हैं। पोम पोम लगाने के साथ ही ये पोंचो अब कंप्लीट हो गया है। ये देखिए देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू।